कमासिन में गरीब कल्याण मेले में 94 कुपोषित बच्चों को सुपोषण किट, 5 महिलाओं को आवास की चाबी सौंपी गई। क्षेत्र पंचायत कमासिन प्रांगण में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती दिवस पर आयोजित गरीब कल्याण मेला की अध्यक्षता ब्लॉक प्रमुख कमासिन रविंदर गर्ग ने की। मेला के मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील सिंह पटेल रहे। कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष प्रदीप मिश्रा के साथ मुख्य अतिथि ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर मेले का शिलान्यास किया। गरीब कल्याण मेले का संचालन सहायक विकास अधिकारी अनिल पाठक ने किया। सभी विभागों के स्टालों से अधिकारियों ने संचालित योजनाओं के बारे में उपस्थित किसानों, महिलाओं व क्षेत्र से आए लोगों को जानकारी दी। मेले में प्रभारी चिकित्सा अधिकारी कमासिन डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने स्वास्थ्य जांच व संक्रामक बीमारियों से बचाव, कोविड-19 का टीका लगवाने के बारे में जानकारी दी। आपके दस्तव्य कार्यक्रम कौन कौन से विभाग के कर्मचारी है, क्या क्या आज दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती मनाई गई, जिसमें लगभग 15 से 20 स्टॉल लगे और काफ़ी लोग सुझाव दिए अपने, जैसे सप्लाई इंस्पेक्टर है, डॉक्टर हैं, पशु डॉक्टर है, इस तरह से काफ़ी लोग आए हुए थे। महिला कल्याण विकास से भी, और सबसे बड़ा विषय है कि किसानों के लिए अगर किसी ने किया है, गरीब जनता के लिए किसी ने किया है, तो वो सबसे पहले हमारे जब भाजपा की पहली सरकार बनी थी और श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने किसानों के लिए, हित के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ किया था। इसके बाद श्रीमान नरेंद्र मोदी जी सम्मान निधि किसानों को दिया और किसानों का सम्मान किया। अंतिम छोर तक बैठे हुए लोगों के पास तक योजना पहुंचाई जाए, ये हमारी सरकार का लक्ष्य है।